जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। पिछले 36 घंटे जो हैं वो काफ़ी संवेदनशील बीते हैं अगर जम्मू की बात करें तो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप सभी को पता है कि परसों बीती रात के जो ड्रोन अटैक्स जो हैं टेक्निकल एयरवेज जो है जम्मू वहां पर किए गए और दो ड्रोन उसमें इस्तेमाल किए गए जिसमें भारी नुकसान तो नहीं हुआ। हालांकि टारगेट जो था M17 और ATF एयरक्राफ्ट जो थे वो थे निशाने पर। उसके अलावा उसी दिन सुबह IED बरामद किया जाता है लश्कर ए तोयबा के एक मिलिटेंट जो है उसे भी पकड़ा जाता है जम्मू बेमौल की बात करें तो। कल सुबह भी हमने आपको ग्राउंड जीरो से अपडेट दी थी जिसमें रत्नोचाक एरिया जो है वहाँ पर ड्रोन्स को स्पॉट किया गया था, जिसके बाद आर्मी के जवानों ने रिटेलिएट करते हुए गोलाबारी भी करी, उसके बाद वो वहाँ से भागने में कामयाब भी रहे। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, इस वक्त हम कुंजवानी में खड़े हैं और कुंजवानी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी दो ड्रोन्स जो हैं, ये सोर्सेज बता रहे हैं कि दो ड्रोन्स जो हैं उन्हें यहाँ पर स्पॉट किया गया है और ये सुबह के समय का वाक्य है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इस समय यहाँ पर जो है अलर्टनेस जो है वो बढ़ाई गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं चौकसी जो है उसे बढ़ा दिया गया है। हालांकि हर गाड़ी को यहाँ पर जो जिस पर भी जो लोड कैरियर्स हैं दूसरी गाड़ियाँ हैं उनको चेक किया जा रहा है कि वो कहाँ से आ रही हैं, किस साइड जा रही हैं, तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है। लेकिन दो जगह जो हैं, दो स्पॉट्स जो हैं उन्हें यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया, यहाँ पर ड्रोन्स जो हैं एक बार फिर से नज़र आए हैं। यानी कि ये कुल मिला के कहा जाए तो 3 दिन में ये इतना बड़ा हादसा और एक बार फिर से ड्रोन्स का स्पॉट होना तीसरी बार यहाँ पर वाकई में चिंता का विषय जो है वो बन गया है। और इस समय आप देख सकते हैं हम इस समय खड़े हैं कुंजवानी में और यहाँ पर एक रिहायशी इलाका कुंजवानी के पास मिलिट्री स्टेशन और यहाँ पर ड्रोन स्पॉट किए और यहाँ पर दो ड्रोन यहाँ स्पॉट किए गए और एक सुंजुआ में बोला जा रहा है कि वहाँ पर भी जो छन्नी में पड़ता है वहाँ पर भी जो है वो स्पॉट किया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो 36 घंटों में तीसरी बार ड्रोन जो है उनका देखा जाना और ये वाकई चिंता का विषय है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं वो अलर्ट पर हैं और लगातार सिटी में ड्रोन्स का देखा जाना ये एक चिंता का जो है वो विषय बन रहा है। और लगातार आप देख सकते हैं हम यहाँ अगर बात करें तो इस वक्त भी हम कुंजवानी में खड़े हैं और कुंजवानी की बात करें तो कुंजवानी में ड्रोन्स जो हैं स्पॉट किए गए हैं और एक बार फिर से ड्रोन्स जो हैं उनका स्पॉट होना कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग सिचुएशन इस समय और एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो बन रही है। अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं इस समय चौकन्नी हैं। हालांकि चौकसी बरती जा रही है, अलर्टनेस बढ़ाई गई है, तमाम जगहों पर जो है नाकाबंदी जो है उसे कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो एक्शन में है और लगातार पूछताछ की जा रही है और लोगों से पूछताछ करने के बाद उन्हें जो है वो आगे अनुमति मिल रही है कि आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। लेकिन दोनों दिन जो है ड्रोन्स का स्पॉट होना, हालांकि सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो चौकस हो चुकी हैं, लेकिन लगातार ड्रोन्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं। और जम्मू सिटी की बात करें तो लगातार ये तीसरा वाक्या जहां पर ड्रोन्स जो हैं वो स्पॉट हुए हैं और तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इस समय अलर्ट पर हैं और फिलहाल मैं आपको तस्वीरें जो हैं वो लाइव बाहू एक्सप्रेस पर दिखा रहा हूं और सिटी जो है वो निशाने पर है, कहीं ना कहीं चौकसी बरती जा रही है, अलर्टनेस तो है ही है, लेकिन ड्रोन्स का यूँ स्पॉट होना और वो भी रिहायशी इलाकों में सिटी में स्पॉट होना ये वाकई चिंता का विषय बन रहा है। और हम इस समय कुंजवानी में खड़े हैं, यही वो एरिया है यहाँ पर दो ड्रोन्स जो हैं वो स्पॉट हुए हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो एक सुंजुआ में जो है वो भी स्पॉट हुआ है। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस पर और कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है और किस तरीके से टारगेट पर जम्मू। और कल भी अगर बात करें, एक बड़ी कामयाबी मैंने आपको सुनाया था किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिली थी, जिसमें लश्कर तोयबा का एक बड़ा कमांडर, टॉप कमांडर जो काफ़ी सारी किलिंग्स में इन्वॉल्व था उसे गिरफ्तार कश्मीर से किया गया था, जिसका नाम नदीम अबरार था। एक बड़ी कामयाबी वहाँ भी मिली थी और एक इनकाउंटर जो था वो भी श्रीनगर में चल रहा था, जिसमें बड़ी कामयाबी वहाँ भी मिली थी, दो मिलिटेंट्स को वहाँ भी मार गिराया था। लेकिन अभी अगर बात करें तो जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट साफ तौर पर नज़र आ रही है, क्योंकि 24 तारीख के बाद से ही ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं और अलर्टनेस बढ़ती जा रही है, एजेंसी जो है अलर्ट पर हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन बन चुकी है। क्योंकि ड्रोन एक ऐसी चीज़ है जिसे रडार में कैच नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सतह के नीचे से जो है वो उड़ते हैं और उन्हें वहाँ से कैच नहीं किया सकता। ये खुद बिपिन रावत CDS की बात करें तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जो थी वो दी थी। लेकिन फिलहाल आपको मैं बताऊं कि ये चीज़ें जो हैं तमाम लोग जो हैं उन्होंने पैनी नज़र जो है वो बनाई हुई है। और इस वक्त भी अगर बात करें तो
तमाम चीज़ें जो हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। रक्षा मंत्री खुद लेह का दौरा कर रहे हैं आज। अगर बात करें उसके अलावा जम्मू में इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं भदौरिया जी, वो खुद नज़र बनाए हुए हैं। उसके अलावा टॉप कल ही आईजी कश्मीर जो है वो जम्मू पहुंचे थे, उनकी आज बैठक है यहाँ पर। उसके अलावा एनआईए एनएसजी जो है वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो हादसा जो था इंडियन एयरफोर्स के अंदर टेक्निकल एयरवेज के अंदर हुआ था उसको खंगाले जा रहे हैं, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। और ऑलरेडी डीजीपी साहब की बात करें दिलबाग सिंह, तो उन्होंने कह दिया है कि आतंकी हमला था और एनआईए जो है एक आतंकी हमले के एंगल से इसकी जाँच कर रही है। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, तथ्य अभी जुटाए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑन है, लेकिन लगातार 36 घंटों में तीसरी बार जहां ड्रोन का दिखाई देना वाकई चिंता का विषय है। और इसके आसपास का एरिया अगर बात करें तो मिलिट्री स्टेशंस जो हैं ज़्यादा दूर नहीं, पास ही हैं। और क्या आखिरकार क्या चीज़ों को खंगाला जा रहा है, क्या सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्या कैमरा से निगरानी रखी जा रही है, क्या चीज़ें देखी जा रही हैं, जिस सारी तमाम चीज़ें जो हैं इनका जवाब अभी फिलहाल हमारे पास नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं सुरक्षा जो है उसे बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी की गाड़ियाँ जो हैं वो गश्त कर रही हैं लगातार, और जम्मू कश्मीर पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है और लगातार सिचुएशन जो है उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रक्षा मंत्री खुद जम्मू कश्मीर का दौरा कर बैठे हैं लेह लद्दाख में, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी की गाड़ियाँ देखिए आप किस तरीके से लगातार गश्त कर रही हैं। और ये चीज़ें जो हैं इसी से लगा चल रहा है कि सिचुएशन जो है अलार्मिंग है, और लगातार पैनी नज़र जो है हर एक एजेंसी जो है वो बनाई बैठी है, चाहे डिफेंस फोर्सेस की बात करें, चाहे तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें। जम्मू के अंदर ऑलरेडी एनआईए एनएसजी है, स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज यहाँ पर हैं, और वो चीज़ें जो हैं एंगल खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पीछे की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा दूर नहीं है मिलिट्री स्टेशन, बिल्कुल पास में मिलिट्री स्टेशन है, और यहाँ पर इस तरीके से ड्रोन्स का पाया जाना एक वाकई चिंता का विषय है। आप देख सकते हैं सामने ही सेफ रोड सेफ वहाँ पर प्रोजेक्ट संपर्क और आर्मी स्टेशन का जो है वो बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, और वहाँ पर आर्मी स्टेशन जो है मिलिट्री स्टेशन शुरुआत हो जाती है, यही से एक कुंजवानी का एरिया है और यहाँ से मिलिट्री स्टेशन शुरुआत होती है और आगे तक जो है वो मिलिट्री स्टेशन हैं। लेकिन आप चीज़ें देखिए कि लगातार तीसरे दिन में ये वारदात तीसरी हुई है जब ड्रोन्स को स्पॉट किया गया है, हालांकि कल भी स्पॉट किया गया था, तब फायरिंग भी की गई थी, लेकिन इस वक्त जो है कुंजवानी में है, कुंजवानी में स्पॉट किया गया है, सुंजवा में स्पॉट किया गया है। कितने ड्रोन्स थे इनका आंकड़ा हमारे पास नहीं है अभी, ये सोर्सेज से जो इनपुट्स मिले हैं वो यही हैं कि ड्रोन्स जो हैं वो पाए गए हैं, एक हैं दो हैं इतना नहीं कह सकते, लेकिन सुंजवा में एक पाया गया है। और कुंजवानी के अंदर बात करें तो यहाँ पर मेन बोर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू द सिटी ऑफ टेम्पल्स लिखा हुआ है, यहाँ से जो रास्ता शुरुआत होती है, यहाँ से नरवाल से ऊपर आप बेमौल चले जाते हैं, वहाँ से कटरा वाई श्रीनगर जाते हैं और सीधा जीवल की तरफ रास्ता जाता है। यहाँ पर एक मेन स्पॉट है क्योंकि इसके पास मिलिट्री स्टेशन है, आगे सिटी है, तो यहाँ पर ड्रोन्स का पाया जाना एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन चुकी है, और वाकई सिचुएशन जो है इस समय अलार्मिंग है। अब हम ग्राउंड जीरो पर हैं, जैसे ही कोई फर्दर अपडेट मिलेगा मैं फिर आप तक साझा करूंगा, लेकिन इस वक्त की वीडियो इस वक्त की जो विजुअल्स हैं वो आपको दिखाने का प्रयास एक बार फिर से कर देता हूं। आप देख सकते हैं लगातार पेट्रोलिंग टीम जो है वो रोडों पर है, आर्मी जो है वो गश्त कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो तैनात है, सर्च ऑपरेशन जो ऑन है, लगातार चीज़ों को खंगाला जा रहा है। ऑलरेडी अभी उसकी गुत्थी जो पहले अटैक हुआ उसकी गुत्थी सुलझी नहीं है, लेकिन उसके बाद एक ये ड्रोन्स जो हैं उड़ रहे हैं, आखिरकार कहाँ से उड़ रहे हैं, क्योंकि सरहद पार से तो इतनी दूर से आ नहीं सकते, कहीं ना कहीं कोई ओवरग्राउंड वर्कर्स इनके जो हैं उनकी बुखार साफ तौर पर नज़र आ रही है, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं पा रहे, तो ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। और ड्रोन एक ऐसी चीज़ है वो रडार में कैच नहीं होती, तो उसके बाद वो सतह से जैसे उड़ता है और सतह के पास से अगर गुजरे तो वहाँ पर उसको कैच जो है वो नहीं किया जा सकता, तो एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि पहली बार देखा कि ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो किया गया। और एक आंकड़ा बता दूँ आपको कि भारत में कुल मिलाकर 45 बार ऐसा हुआ जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन जो हैं भारत में भेजे गए असलाह बारूद के साथ, हालांकि उन्हें विफल किया गया, उनकी जो मंशा थी वो कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में ड्रोन से हमला हुआ, हालांकि टारगेट पर M17 और ATF एयरक्राफ्ट से, हालांकि उनको नुकसान बड़ा नहीं हुआ, लेकिन दो हमारे जवान जो थे मामूली तौर पर घायल जरूर हुए थे, बिल्डिंग को क्षति जो थी वो पहुंची थी, ग्राउंड को क्षति जो थी वो पहुंची थी, ID से लैस थे वो भी। अब ये जो ड्रोन्स हैं ये किस तरीके के ड्रोन्स थे, क्या ये सिर्फ पैनी नज़र बनाए हुए थे, एरिया को खंगाल रहे थे, एरिया की पिक्चर्स ले रहे थे, या फिर ये भी जो थे ID से लैस थे, ये भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जैसे ही फर्दर डिटेल इस पर मिलती है हम नज़र बनाए हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, हम फिर से आपसे जुड़ जाएंगे। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए अपने रहिए बाहू एक्सप्रेस पर, मुझे शाम जी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।